अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद मलिक एफएस न्यूज़ के साथ। आज दुनिया भर में बल्कि पाकिस्तान में भी वर्ल्ड एग्रीडेशन डे मनाया गया। तो यहां पे इस्लामाबाद में एक तकरीब का इनेकाद हुआ। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं डिप्टी डीजी पीएनआईसी। आज हम इनसे बात करेंगे कि जो वर्ल्ड एग्रीडेशन डे है, इसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के अंदर, और आपकी जो परफॉर्मेंस है, डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस है, वो कहाँ तक आपने, मतलब एक साल में कितनी अचीव की है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप हमें बताएं कि एक तो जो वर्ल्ड एग्रीडेशन डे है, इसकी पाकिस्तान में क्या अहमियत। जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दे दूं कि पाकिस्तान नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल जब 95 में WTO को साइन किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड AB बना ली, एग्रीडेशन बॉडी PNAC। तो उसके बाद जो है वो हमें पे हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट थे, वो जब बाहर जाते उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए हमें MRA करना था। वो ILAC और IF ने जो है वो हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, उनसे हमने 2009 में हमने MRA म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट साइन किया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट है, वो जो भी हमारा क्लाइंट होगा, जो भी हमसे एक्रेडिटेड होगा, उसकी जो सर्टिफिकेट या रिपोर्ट है वो थ्रू आउट वर्ल्ड जो है एक्सेप्टेबल होगी। यानी जो भी ट्रेड इधर से जाएगी, उसके साथ हमारा PNAC के लोगों के साथ अगर टेस्ट रिपोर्ट या सर्टिफिकेट होगा, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा सर, डेफिनेटली एक साल का टाइम हमने देख रहे हैं, पिछले एक साल भी आपका पहले एक प्रोग्राम भी हुआ, फिर अभी माशाल्लाह बड़ी अचीवमेंट है आपकी, और बड़ी प्रोफेशनल टीम है आपके पास, उमर साहब हैं उनके साथ पूरी एक टीम है। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो आपके टारगेट्स आप मिल रहे हैं अभी, क्योंकि कुछ आगे मीटिंग्स वगैरह भी, बोर्ड मीटिंग्स भी आ रही हैं, और वो सारी चीज़ें प्रपोजल्स जो है ना आपने मिनिस्टर साहब के सामने भी रखे हैं, तो शायद आई थिंक सो कि नेक्स्ट वीक में वो मीटिंग्स भी है। तो आप हमें ये बताएं कि अब आप क्या समझते हैं कि अब मज़ीद कितना टाइम लगेगा कि आप जो है ना पूरी तरह जो है ना वो आप जो PNC है, जो हलाल इनका हलाल और एग्रीडेशन का जो पूरा इनका एक प्रोसेस है, प्रोग्राम है, वो जो लोगों तक अवेयरनेस है उसकी अभी कमी है, तो आप क्या समझते हैं कि कितना एक टाइम मज़ीद अभी लगेगा कि वो पूरी तरह सेटल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये PNAC एक्रीडेशन बॉडी जो है ना, एक्रीडेशन इटसेल्फ जो है ना, वो न्यू है सारे वर्ल्ड में। तो अभी जो है न, जैसे जैसे उसकी अवेयरनेस होती जा रही है, तो ये बढ़ता जा रहा है। जैसे उमर साहब का आपने जिक्र किया, तो वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हलाल एक्रीडेशन का। पाकिस्तान ने दो प्रोजेक्ट लिए थे, वो एक हलाल का था, एक हेल्थ केयर का था। दोनों पे हमने अवेयरनेस थ्रू आउट पाकिस्तान की है। उसके नतीजे में हमारे पास काफ़ी CBs, हलाल CBs हैं, या हेल्थ केयर में जैसे मेडिकल लेबॉरेटरीज़ का बताया गया कि वो आ रही हैं। तो अभी भी जो है वो अवेयरनेस का तो चलता रहेगा, लेकिन अभी ये है कि इनकी जो है ना ज़रूरत हमें स्टाफ की, जैसे मैडम ने भी, DG ने फरमाया कि हमें स्टाफ की ज़रूरत है, स्टाफ के बगैर हम जो है ना ये प्रोग्राम्स रन नहीं कर सकते। तो हमें डेडिकेटेड स्टाफ जब तक नहीं होगा, अभी जैसे उमर साहब हैं, इनको अल्लाह ताला करे ये हमें रेगुलर साइड में मिल जाएं, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है। तो अगर ये रेगुलर साइड पे या इसको एक्सटेंशन मिलेगी, तो हम जो है ना ये प्रोग्राम्स एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा, जो हमारा ये वर्ल्ड एग्रीडेशन डे का वो थीम भी था कि सस्टेनेबल गोल्स और SDGs जो है। तो सस्टेनेबल तभी होगा जब हमारे पास स्टाफ जो है वो पूरा होगा, और हम जो है ना वो नई नई स्कीम्स जो है ना रोज़ाना मुतारफ़ हो रही हैं दुनिया में, तो हम उसके हिसाब से जो है ना उनको हलाल एक्रीडेशन हेल्थ केयर है, तो उसको हम लॉन्च करते रहेंगे और उसको मेंटेन करते रहेंगे। जी देखा जी, आपने हमारे साथ डिप्टी DG साहब पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल के उनसे बात कर रहे थे कि वो पूरी तरह पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट आने वाले मंथ्स हैं, इसके अंदर ही हम लोग इसको पूरी तरह जो है ना वो पूरी तरह लोग पूरे पाकिस्तान में और वर्ल्ड लेवल के पर पूरी अवेयरनेस भी होगी लोगों को, और एग्रीटेशन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनके चांसेस भी होंगे। जी थैंक यू।